राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चोकंद आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल के ऊपर। भाई इस वीडियो के अंदर बातें करेंगे प्यारे साथियों HSC CET एग्ज़ामों को लेकर। भाई यानी कि HSC CET भाई आप लोगों के लिए और जो बेरोजगारी मुद्दा है आप सभी के लिए भाई, यानी कि जो बेरोजगारी मुद्दा है उस बेरोजगारी मुद्दे को भाई संसद के अंदर भाई जो हरियाणा की संसद है यानी कि जो विधानसभा सत्र चला हुआ था उस सत्र के अंदर भाई जोर शोर से एक महम के निर्दलीय विधायक हैं श्री बलराज सिंह कुंडू जी, उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से आप लोगों की आवाज़ उठाई है। यहाँ पर खट्टर साहब और शिक्षा मंत्री और दुष्यंत सिंह चौटाला को चुप करने का काम किया है, भरी सदन के अंदर इन लोगों को ललकारने का काम किया है कि सरकार बेरोजगारी मुद्दे के ऊपर क्या काम कर रही है क्या काम नहीं कर रही है। भाई इन सभी चीज़ों के लिए आप खुद बलराज सिंह कुंडू जी की आवाज़ के अंदर सुने कि उन्होंने सदन के अंदर क्या कुछ पूछा है, क्या जवाबदेही दी गई है। भाई यानी कि आप लोगों के लिए कितना गुमराह करने का काम किया जाएगा इन परीक्षाओं के माध्यम से। भाई यानी कि यहाँ पर श्री बलराज सिंह कुंडू जी ने आप लोगों की आवाज़ है एक बार फिर से उठाने का जो काम है वो किया गया। प्यारे साथियों, चलाना चाहता हूं कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है सबका साथ सबका विकास। मैं पिछले चार साल से अपने महम के लिए गर्ल्स कॉलेज की डिमांड कर रहा हूं, हॉस्पिटल की डिमांड कर रहा हूं, मेरे महम शहर की जर्जर हालत, सीवरेज की, पानी सिस्टम की, एक एक हफ्ते में पानी आता है मेरे महम शहर के अंदर। ये सबका साथ सबका विकास का वो है। मेरे महम के सड़कों का हालात जो मैं पिछले दो साल से उप मुख्यमंत्री को कहता रहा हूँ, फरमाना से निनाणा रोड, महम बड़म्बा कलान और बेरी रोड, भोगपुरपुर से समर गोपालपुर रोड जो गांव का पोर्शन है, भोगपुरपुर से निडाना रोड का, महम से भैणी भैरो टेंडर हो चुका है, चार महीने से काम शुरू नहीं किया। इन सड़कों की हालात इतनी जर्जर है, मैं पिछले दो ढाई साल से आवाज उठा रहा हूँ। महम लाखनवाला ड्रेन की सफाई और उन पटड़ियों की मरम्मत करना, ये बार बार कह रहा हूँ लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं सदन का ध्यान देना चाहता हूँ कि ये सबका साथ सबका विकास खाली बातें ना करे, उसको धरातल पे सरकार काम करें। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या बन गई है इस प्रदेश की, सरकार 2 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। सारे जो CET के पेपर थे वो 61 ग्रुपों के पेपर आज कोर्ट के स्टे की वजह से, पैरवी ना करने की वजह, आयोग के द्वारा ढीला रवैया होने की वजह से, कोर्ट की फीस ना भरना, बार बार टाइम मांगने की वजह से 61 ग्रुपों के पेपर जो है ना वो स्टे में लटके बैठे हैं। अनेकों जो है ना CET IIT के इंस्ट्रक्टर की ज्वाइनिंग रुकी है, TGT की जो है ना 7400 उनकी वो ज्वाइनिंग रुकी पड़ी है। ये हालात आज हमारा बेरोजगार ऐसी दशा से जूझ रहा है कि सरकार उसकी प्रति कोई वो नहीं जवाबदेही नहीं है। शरद डी ग्रुप का हवाला देकर हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चों को डी ग्रेड करने के लिए उनको चपरासी की लाइन में खड़ा कर दिया, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जो बड़े बड़े दावे करती है सरकार अगर हम आगे जा रहे हैं। आज डी ग्रुप एक ऐसा खिलौना, एक झुंझुना बना दिया कि हमारे हाईली क्वालिफाइड बच्चे उस डी ग्रुप की लाइन में चपरासी, आज वो जो पहले लगे हुए हैं वो शोषण हो रहा है उनके साथ में। जो एक एमटेक बच्चा अगर चपरासी बनेगा उसकी हर रोज मृत्यु हो रही है, वो आज मजबूर आत्महत्या करने, अनेकों केस हरियाणा की सरकार के उसमें आ चुके हैं। उसके बाद अभी भाई अरुण ने बताया कितना बड़ा अपराध बढ़ रहा है, उसकी मेन वजह है हमारी पुलिस का डिमोरलाइज होना, पुलिस में कर्मचारियों का कमी होना, उनको अच्छा वेतन ना मिलना जो सरकार ने दावा किया था उनको, हरियाणा पंजाब के हिमाचल के और चंडीगढ़ के बराबर जो वेतनमान हरियाणा पुलिस को देंगे और उसकी कर्मचारियों की पूर्ति करेंगे, वो कमी की वजह से और कम सैलरी होने की वजह से आज हमारा पुलिस विभाग डिमोरलाइज है। सरकार अनेकों दबाव से उनसे गलत काम ठीक काम सब करवाती है लेकिन उनका ध्यान देने की तरफ सरकार का वो नहीं है, जिसकी वजह से अपराध बढ़ता जा रहा है, वो अपनी पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आ रही है। तो प्यारे साथियों, आप सभी ने सुना भी होगा भाई, बलराज सिंह कुंडू जी ने आप लोगों के लिए भरी सदन के अंदर भाई आप लोगों के लिए मुद्दा उठाया CET के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर भाई आप लोगों के लिए, और जो अपना महम हलका भाई यानी कि बलराज सिंह कुंडू जी का जो महम हलका है उस हलका की भी आवाज़ यहां पर उठाने का काम किया गया है। यानी कि सीधी सीधी बात बोली जाए तो भाई दुष्यंत सिंह चौटाला और जो हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर साहब हैं भाई, इनसे जवाबदेही मांगी गई थी लेकिन ये जो आप लोगों की बेरोजगारी मुद्दा है इस बेरोजगारी मुद्दे के ऊपर कोई भी अच्छे से जवाब नहीं दे सके कि परीक्षाएं कब होंगी जो आप लोगों की बाकी हैं और डी ग्रुप का रिजल्ट कब आएगा जो आप लोगों
का एक महीने के अंदर बोला गया था, लेकिन इन सवालों के जवाब भरी सदन के अंदर भाई किसी के भी पास नहीं है प्यारे साथियों। तो आप लोग सोच समझ सकते हैं कि भाई कितना शोषण हो रहा आप लोगों का, जो बलराज सिंह कुंडू जी ने आप लोगों की आवाज़ उठाई है वो किस हद तक सही है, आप खुद सोच सकते हैं इन बातों को। दोस्तों ऐसे ही हर अपडेट के लिए भाई आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े, चाहे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। भाई थैंक यू दोस्तों।